जो सबसे नंबर वन पे है, आप उसको जानने के बाद में आप हैरान हो जाओगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वो हम सबका आपको सबसे बाद में बताएंगे, उससे पहले हम बता देंगे जो दसवें नंबर पे आता है उसका नाम है एलिफेंट। हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा और विशाल प्राणी में से एक है। बता दें विश्व में ये सबसे खतरनाक प्राणियों में भी इनका जो नाम है वो वेस्मार है। और अगर बात की जाए तो हाथी जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, आप सब लोगों को पता है, फिर भी ये जो आक्रमण हो जाए तो तहस नहस करके रख देते। तो अगर बात करें विश्व के सबसे ज़्यादा लगभग इस हाथियों के गुस्सल और इनके व्यवहार की वजह से कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की हाथियों के भ्रंत की वजह से आपस में प्रत्येक वर्ष लोग अपनी जान गंवा देते हैं। नंबर 9 हिप्पोपोटामस। दोस्तों बात करी जाए अगर हिप्पोपोटामस या दरियाई घोड़ा में से एक होता है जो कि शाकाहारी होते हैं। अगर बात की जाए कि खतरनाक, तो ये बिल्कुल ही खैर से नहीं सकते कि ये खतरनाक नहीं होते हैं। ये किसी भी इंसान या किसी भी जीव को अपने आप अंदर मतलब अपने जो इनका इलाका होता है उसमें आते देखकर ये तुरंत आक्रामक हो जाते हैं, उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसकी बात की जाए तो ये अफ्रीका का सबसे मूल निवासी जो जीव है उसके में आता है। और बात की जाए जिनका नाम जो हिप्पोपोटामस जो है कि वो वाटर फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी बात की जाए तो ये घोड़ों की जो प्रजाति होती है उनमें से बिल्कुल अलग है। इनकी जो प्रजाति होती है वो वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि सुअर जो होते हैं उनका दूर का रिश्तेदार माना जाता है। अगर इनके वेट की बात करें तो ये 15 से 3,000 किलो के बीच का पाया जाता है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। इसकी हाइट 1.3 से लेकर 1.6 मीटर तक होती है। और ये जो जीव है ये इतना बड़ा विशाल होता है, इसका अगर जीवन काल की बात करें तो ये कम से कम 40 से 50 साल के बीच में जिंदा रह सकते हैं। नंबर 8 क्रोकोडाइल। आपको पता है कि मगरमच्छ कितने डरावने और कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उनको अगर कहा जाए कि वो मांसाहारी होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो खुद के बड़े ज़्यादा जो उनके शरीर और इनके जो आकार से बड़े जो जानवर और जो जीव होते हैं उन पर वो कभी हमेशा हमला करते हुए पाए जाते हैं। अगर बात की जाए तो ये कभी कभी जैसे छोटे जो दरियाई घोड़े के जो बच्चे होते हैं उन पर भी अटैक कर देते हैं। अगर बात की जाए जो भैंस वगैरह जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उन पर अटैक करते देखे पाए गए हैं। अगर बात की जाए पानी के जो खारे मगरमच्छ होते हैं उनकी बात करें तो वो कभी कभी वो शार्क मछली को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। तो ये बेहद खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। 7 नंबर लायन। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जंगल का जो राजा होता है उसे शेर को कहा जाता है। और शेर जंगल का राजा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा घातक और बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, जो कि ताकत और फुर्ती के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इनकी प्रजातियों की, जो शेर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो प्रजातियाँ होती हैं। एक जो होती है वो एशियाई शेर और दूसरा जो होता है अफ्रीकन शेर। तो दोस्तों अगर बात की जाए अफ्रीकन शेर जो होते हैं वो एशियाई शेरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा लंबे और बलवान भी होते हैं। विश्व भर में अगर बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष कम से कम 12,000 से 15,000 लोग शेरों का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद उनके मामले की वजह से जो सबसे ज़्यादा मामला जो देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा जो मामले आते हैं वो अफ्रीकन शेरों के द्वारा लोग मारे जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो अफ्रीकन शेर होते हैं वो एशियाई शेरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। नंबर 6 जेलीफिश। दोस्तों अगर बात की जाए जो जेलीफिश उसको जो ज़्यादातर लोग बॉक्स जेलीफिश समुद्र की जो गहराई होती है वहाँ पर पाया जाता है। और ये काफ़ी घातक जंतु जो होते हैं उनमें से आया माना जाता है। और जेलीफिश का जो नाम है वो इसे कोई मछली की जो प्रजाति उसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है। इसके शरीर का जो बनावट होता है वो एक बॉक्स की तरह होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसे जेलीफिश के नाम से कहते हैं। और इसका जो प्रजातियाँ होती है वो कई तरह की प्रजातियाँ होती हैं। और इसका जो बात करें तो एक डंक इंसान को मृत्यु की काफ़ी करीब ला सकता है। इसकी सबसे बड़ी जो प्रजाति वो होती है वो नौमुरा जेलीफिश नाम को भी पलट सकता है। तो अगर बात की जाए जो हालांकि इसका शिकार ज़्यादातर समुद्र में ही होता है और ज़्यादातर जो समुद्र में जाने वाले लोग होते हैं उन्हीं का ये शिकार करती है। नंबर 5 शार्क। दोस्तों आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में कम से कम 28,000 से भी ज़्यादा जो मछलियाँ उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से कम 2,18,000 से भी ज़्यादा नामों से ये पहचानी जाती हैं। मछलियों में ये सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है उसका नाम शार्क है। और अगर बात की जाए शार्क की तो एक पृष्ठ समुद्री तल में रहने वाला एक प्राणी, जो कि शरीर इसका काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा होता है, सलकों से ढका रहता है। और यही एक मांसाहारी प्राणियों में से पाया जाता है। इसे परफेक्ट किलिंग मशीन भी कहते हैं। इसका जो मतलब होता है कि बहुत तेज और तर्रार होती है। इसका जो मुँह होता है सामने के ना होकर इसके पीछे की तरफ होता है, जिसके जो दांत होते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं, जिसकी वजह से अगर इसके दांतों में अगर कोई भी शिकार या कोई भी मछली आ जाती है तो उसका बचना मुश्किल ही नामुमकिन हो जाता है। 4 नंबर इंग्लैंड टाइपन स्नेकर। इस सांप की बात करें तो दुनिया में जितने भी जहरीले सांप होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक सांपों में से माना जाता है। अगर क्योंकि इसकी जो एक बाइट होती है उस बाइट में 100 मिलीग्राम तक जहर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर इसके जहर की बात की जाए तो इतने जहर में कम से कम 100 लोगों को चैन की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होता है। और इसका जो जहर होता है वो अगर रैंडम जो रैटल स्नैक होता है उसकी तुलना में कम से कम 10 गुना ज़्यादा होता है। और उसका जो कोबरा है, किंग कोबरा की बात करें, जो सबसे बड़ा स्नैक होता है उसकी तुलना में कम से कम 50 गुना ज़्यादा घातक होता है। इसीलिए इसको दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में गिना जाता है। नंबर 3 डॉग। दोस्तों आपको बताया कि कुत्ता एक वफादार जानवरों में से गिना जाता है, पर अगर इसकी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। और आपको एक बता दें कि जो कुत्ता होता है वो जल्दी इसके काटने से कोई नहीं मरता, पर इसके कुत्ते के काटने के बाद में एक बीमारी होती है जिसका नाम रेबीज होता है। तो ऐसे तो ये काफ़ी जानवरों से फैलता है, पर खासकर जो मनुष्यों में फैलता है वो कुत्ता के काटने से ही फैलता है। रेबीज जो बीमारी है वो शुरू शुरू में इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, पर इसके बाद जब इसके जो दिखाई देते हैं लक्षण तब तक उसका जो रूप होता है वो कम से कम जानलेवा हो चुकी होती है। और उसकी वजह से कई लोगों की हर साल अगर बात की जाए तो 25,000 से भी ज़्यादा लोग इसकी रेबीज जो बीमारी होती है उसके कारण मारे जाते हैं।
नंबर टू दोस्तों, अगर बात की जाए नंबर टू तो वो मच्छरों के आते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए मच्छरों के द्वारा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो फैलती हैं और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती हैं। अगर बीमारियों की बात करें तो मलेरिया है, बुखार, येलो फीवर और इंसेफेलाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं और जो कि मच्छरों के काटने से फैलती हैं। तो दोस्तों दुनिया में जो खतरनाक जीवों की सूचियों में मच्छरों को सबसे ऊपर रखा जाता है। और अगर बात की जाए तो दुनिया में 7,00,000 से 25,000 लोग कम से कम मच्छरों के द्वारा जो फैलाई गई बीमारियां हैं उनकी वजह से साइड इफेक्ट होता है और उनकी वजह से लोगों की मौत होती है। तो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मरने वाले लोगों की जो मौत के कारण होता है वो मच्छर होते हैं। नंबर वन मनुष्य, दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, पिछले हजारों सालों से कम से कम एक इंसान दूसरे इंसान को मारते हुए आ रहा है। ये युद्धों की बात की जाए तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं नामुमकिन नहीं जाए, क्योंकि 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग युद्धों में एक दूसरे को मौत के घाट उतार चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कई सारे ऐसे हमले होते हैं जिसमें बंदूक के सहारे से किसी इंसान को टपका दिया जाता है। कभी ऐसा होता है कि कोई क्रूरता की उच्चतरता को पार कर देता है। और ऐसे कई सारे हथियार हैं जैसे परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार जो पूरी पृथ्वी को तहस से नहस करने के लिए अंजाम देने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ऐसे कई देश हैं जिसपे एक देश ने दूसरे देशों पे बिना छोटे मोटे किसी मसले हों उसके कारण कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है। तो 2012 में एक अनुमान लगाया था, उस अनुमान में कम से कम 4,90,000 से भी ज़्यादा लोगों को हर साल अपने मौत से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर और सबसे खतरनाक जीव जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड, सबसे ज़्यादा लोगों की मौतें होती हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।